अस्सलाम वालेकुम, मेरी आज की रेसिपी है फ्राइड बीफ एंड कैबेज। बेसिकली कीमा और पत्ता गोभी का मैंने क्विक स्टर फ्राई बनाया है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट था। और इसमें बहुत थोड़े से मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। इसमें सबसे पहले तो आप मैंने तकरीबन आधा पाव कीमा लिया है, और उस कीमे को मैंने बिल्कुल जैसे तवे पे डाल के भूनते हैं, नमक मिर्च काली मिर्च गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा प्याज डाल के अच्छे से सिर्फ मैंने भूना है। इसमें कोई पानी कुछ नहीं डाला, सिर्फ 5 मिनट को आप अपने पैन में भून लें। उसके बाद मैंने लिए है ये 1 कप श्रेडेड कैबेज या कोल्सला, और साथ मैंने ये लिए हैं 6-7 चेरी टोमेटोज। अच्छा, जैसे ही ये कीमा आपका पक चुका है तो इसमें आपने इसको स्टर करना है। बेसिकली मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ नूडल्स और एज अ राइस, और ये बहुत अच्छे रहेंगे आपकी कीटो डाइट के लिए या फिर आपकी लो कार्ब डाइट के लिए। इसके साथ आपको कोई राइस रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे ही ये थोड़ी सी विल्ट होती है गोभी, तो मैंने इसके अंदर ये स्लाइस कर लिए हाफ और ये डालूंगी। इनको मैंने बहुत ज़्यादा ओवरली कुक नहीं करना, सिर्फ इनको इतना करना है कि थोड़े जूसी हो जाएं और एज अ सॉस का काम दें इस कीमे के अंदर। तो आप जब खाएंगे तो आप देखिएगा कीमा और साथ जो गोभी का टेस्ट होगा ऐसे होगा जैसे आप नूडल्स खा रहे हैं या राइस हो इसके अंदर, और जो ये जो टोमेटोज़ हैं ये आपको सॉस का टेस्ट देंगे। इसके अलावा मैंने ये आधा कप इसमें ताज़ा हरा धनिया और डाला है मैंने पुदीना, और साथ ही मैं थोड़ा सा हिमालयन सॉल्ट या कोशर सॉल्ट एट द एंड आप एक पिंच डालें, इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा नटी और सेवरी सा हो जाएगा। और इसको आप सर्व करें एज इट इज़, बहुत ही बेहतरीन डाइट बनेगी। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एट द एंड थोड़ा सा सावर क्रीम या मेयो डाल लें, नहीं भी डालेंगे तो इट्स अ फुल मील। और जिस तरह भी आप इंजॉय करना चाहें, अगर थोड़ा सा इसमें मैक्रोनी या पास्ता ऐड करें तो वो भी चलेगा। इस डिश को ज़रूर आप ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। इसके अलावा दुआ में याद रखें और बहुत सारी दुआएं लें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छा बोलें। Once again, thank you for watching my channel and do subscribe. Thanks.